जैसा कि आप जानते हैं, भारत में एक के बाद एक कोऑपरेटिव्स बैंक के बुरे दिन स्टार्ट हो गए हैं। हमें कहा गया था कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन कुछ कोऑपरेटिव्स बैंक के बुरे दिन हाल ही में स्टार्ट हो गए हैं। एक के बाद एक जिन कोऑपरेटिव्स बैंक के ताले लग रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं लिंक मिल रहे हैं पॉलिटिकल नेता कंपनी पीएमसी बैंक को ले डूबी, वो है एचडीआईएल। दोस्तों, ये कंपनी एक रियल स्टेट कंपनी है जो कि पूरी तरह से कर्ज में डूब चुकी है। दोस्तों, सबसे पहले हमें कहा गया था कि आपको बैंक में अकाउंट खोलने हैं ताकि सरकार जो पैसे भेजेगी वो आपके बैंक के अकाउंट में आएंगे। उसके बाद हमें कहा गया कि क्योंकि डिजिटल युग है, इसलिए आप अपनी करेंसी अपने पास नहीं रख सकते हैं, आप अपने बैंक के अकाउंट में रख सकते हैं। लेकिन सडनली जब एक बैंक बंद हो जाती है तो बहुत सारे छोटे छोटे डिपॉजिट्स के पैसे उस बैंक में बंद हो जाते हैं, जिनके पैसे के थ्रू एक बड़ी कंपनी को फायदा पहुंचाया गया है। तो आरबीआई ने जब पीएमसी बैंक को कुछ गाइडलाइंस दी, तब जाके उन छोटे डिपॉजिट्स को पता चला कि उनके पैसे एक बैंक में बंद होने वाले हैं। तो पीएमसी बैंक ने ऐसा तो क्या किया था जिसकी वजह से आरबीआई को सडनली ये एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ा? गाइडलाइन जारी की है द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के लिए, वो उन तमाम खातेधारकों के लिए एक श्राप सी बन गई है, क्योंकि वो आने वाले 6 महीनों में एक भी रुपया निकाल पाने की कोशिश में नहीं है। हालांकि 40,000 रुपए से किसी का गुजारा नहीं होने वाला है, ये बात आरबीआई भी जानती है और ये बात पीएमसी बैंक भी जानता है। तो ऐसा तो क्या करेगी पीएमसी बैंक जिनसे इन तमाम खाताधारकों के पैसे मिलेंगे, या फिर जो उन्होंने लोन दे के रखा है एक बड़ी कंपनी को, वो लोन कैसे वापिस लेंगे? ये एक बैंक कैसे मुनाफा करती है उनके छोटे डिपॉजिट से, यानी कि जो हम पैसे जमा करते हैं बैंक में, बैंक हमको उसका कितना ब्याज देती है, कितना इंटरेस्ट देती है, या फिर बैंक जिनको लोन देती है उनसे कितना इंटरेस्ट लेती है, ये बातें समझनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब हम सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट एक बैंक में ओपन करते हैं तो करंट अकाउंट पे हमें 0% इंटरेस्ट मिलता है, जहाँ पे सेविंग अकाउंट पे बैंक 3-4% हमें ब्याज देती है। ये जो फासला है, जब आप देखेंगे बैंक एक कस्टमर को लोन देती है तब वो 10-15% चार्ज करती है हर उस कस्टमर से जिसको वो लोन देती है, यानी कि बैंक का मुनाफा वही रह जाता है। जो हमें पैसे दिए जाते हैं वो 10% लिया जाएगा, जब हम बैंक को पैसे डिपॉजिट करेंगे तो उनका 3-4% हमें ब्याज दिया जाता है। बैंक की एक कमाई ये भी है कि वो ATM, ड्राफ्ट और करेंसी एक्सचेंज से भी बहुत सारे पैसे कमाते हैं, जिनसे कि बैंक का मुनाफा बहुत बढ़ जाता है। टोटल 9 लाख लोगों के अकाउंट है पीएमसी बैंक में 140 शाखाओं में, जिनमें लगभग 11,000 करोड़ जमा किए हुए हर डिपॉजिट ने अपने बैंक अकाउंट में। पीएमसी बैंक ने जो लोन दिया है वो है 8,000 करोड़। आपको जान के हैरानी होगी, 8,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ इन्होंने सिर्फ एक कंपनी एचडीआईएल को दिया हुआ है। एचडीआईएल वही कंपनी है जो हाल में डूबने वाली है या फिर लगातार प्रॉफिट कर रही थी। पीएमसी बैंक की वेबसाइट पे इन्होंने ये बताया हुआ है, जो प्रॉफिट है वो है 2017 से 2018 में 100 करोड़। हालांकि 2018 और 2019 में ये प्रॉफिट 1% कम होकर 99 करोड़ पे आ गया था, यानी कि जो बैंक लगातार प्रॉफिट कर रही थी फिर भी उसको ताला लगाने की नौबत कैसे आ गई, ये बात आप यहां समझ सकते हैं। दोस्तों, बैंक में जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो करंट अकाउंट पे हमें कुछ भी नहीं दिया जाता, यानी कि करंट अकाउंट रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा उसका ब्याज या फिर उसका प्रॉफिट। जब आप सेविंग अकाउंट की बात करेंगे तो उसमें 3-4% हमें प्रॉफिट मिलता है, यानी कि ब्याज मिलता है। फिक्स डिपॉजिट की बात करेंगे तो 6-7% ब्याज मिलता है फिक्स डिपॉजिट पे 1 साल के लिए। ये तो हो गया जब हम पैसे जमा करेंगे बैंक में और वही बैंक हमें देगी प्रॉफिट। लेकिन जब बैंक हमें पैसा देती है, यानी कि कस्टमर्स को लोन देती है, तब बैंक कितना ब्याज जोड़ती है उसका या फिर कितना प्रॉफिट करती है बैंक, ये समझिए। दो कोऑपरेटिव बैंक या फिर सहकारी बैंक हमसे 10-14% लोन का इंटरेस्ट लेती है, यानी कि ब्याज लेती है, और यही एक बैंक का सबसे बड़ा मुनाफा होता है। उसके साथ ही बैंक ATM, करेंसी एक्सचेंज और ड्राफ्ट से भी अपनी कमाई करती है, यानी कि बैंक का सबसे बड़ा मुनाफा यही है कि लोन प्लस ATM का जो चार्ज है, ड्राफ्ट और जो करेंसी एक्सचेंज है वो। पीएमसी बैंक जो कि लगातार अपना ग्रोथ दिखा रही थी, लगातार फायदे में थी, फिर भी आरबीआई को बंद करने के निर्देश क्यों देने पड़े? 2017 और 18 में पीएमसी बैंक का जो प्रॉफिट था वो था 100 करोड़। हालांकि 2018 और 19 में उनका प्रॉफिट 1-1.5% घट के 99 करोड़ हो गया। जो बैंक लगातार अपना प्रॉफिट दिखा रही थी, यानी कि ग्रोथ कर रही थी, फिर भी आरबीआई उनको बंद करने पे क्यों तुली हुई है, ये समझने के लिए आपको इस कंपनी से मिलना पड़ेगा जिसका नाम है HDIL। ये कंपनी एक रियल स्टेट कंपनी है जो कि पूरी तरह से कर्ज में डूब चुकी है या फिर कर्ज में डूब गई है, ये भी कह सकते हैं। इनके लिंक मिले हैं पीएमसी बैंक के चेयरमैन के साथ, या फिर पूरी पीएमसी बैंक एक ही कंपनी को 75% लोन देती है,
जिनका की 8,000 करोड़ का लोन है, इनमें से 6,500 करोड़ लोन दिया है इन्होंने HDFC कंपनी को, तो फिर बैंक RBI की नजर में कैसे आई, या फिर इतने दिन तक घोटाले होते रहे और ये बैंक कैसे किसी के भी नजर में नहीं आई, इसके लिए एक बड़ा गेम खेला गया PNC बैंक और HDFC कंपनी के चेयरमैन के द्वारा। रियल स्टेट की जो कंपनी है जो है थॉमस, जो की MD है PNC बैंक के, इनके 2% शेयर होल्डर है ये रियल स्टेट कंपनी में जो की HDFC है, यानी कि 2% शेयर होल्डर के साथ ये शख्स इस कंपनी का चेयरमैन भी बना रहा, क्योंकि ये कंपनी को ये फायदा पहुंचाना चाहते थे। आंकड़ा है जिसके हिसाब से 21,000 डमी अकाउंट खोले गए PNC बैंक के द्वारा, और हर अकाउंट में इन्होंने लोन प्रोवाइड कराया ताकि किसी को भी इस बात की भनक ही नहीं लगे। PNC बैंक के जो चेयरमैन थे S वायरन, इनके लिंक मिले HDFC कंपनी के साथ, जिनके 2% शेयर होल्डर थे HDFC कंपनी में, यानी कि ये शख्स लगातार उस कंपनी को कर्ज देता रहा, ये कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी उसके बावजूद भी, क्योंकि इस शख्स के इस कंपनी के साथ लिंक थे, यानी कि प्रॉफिट इस कंपनी से कमा रहे थे और नुकसान इस बैंक को कर रहे थे। ये बैंक जो कि 9 लाख अपने कस्टमर के साथ धोखा कर रहा था लगातार, का मामला नहीं है जो कि कोऑपरेटिव बैंक बंद हो रही है। इससे पहले वर्ष 2002 में एक बैंक बंद कर दी गई थी जिसका नाम था माधवपुरा कोऑपरेटिव बैंक। उस बैंक के कुछ कस्टमर्स को आज तक इनके पैसे वापस नहीं मिले हैं DND के मुताबिक, यानी कि कोऑपरेटिव बैंक में जो पैसे रख रहे हैं वो आपके कितने परसेंट सेफ है, उस पैसों को आपका इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप तय नहीं करेंगे, वो तय करेगी ये कोऑपरेटिव बैंक। दोस्तों PNC बैंक में कुल 9,10,000 डिपॉजिट से इनके टोटल अकाउंट बने हुए PNC बैंक में, जिनका जो टोटल अमाउंट है यानी कि PNC बैंक में टोटल जमा अमाउंट है वो है 11,000 करोड़। ये 11,000 करोड़ जब आप एवरेज 1% के साथ दे देंगे तो जो अमाउंट मिलता है वो 1,27,000 रुपये, यानी कि 1% के एवरेज 1,27,000 जमा है PNC बैंक में। लेकिन जो 11,000 करोड़ PNC बैंक में जमा है उसमें से 9,200 करोड़ फिक्स डिपॉजिट है। अब फिक्स डिपॉजिट आप ATM से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जब आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, वो पैसे आप तभी निकाल पाएंगे जब वो कोऑपरेटिव बैंक चाहेगी, या फिर आपका वो कंडीशन खत्म हो जाएगी उसके बाद ही आप पैसे निकाल पाएंगे। और अब लास्ट में हर बैंक किस हिसाब से लोन देती है, हर बैंक की क्या सिस्टम होती है लोन देने की, RBI ने क्या गाइडलाइंस दी हुई हर बैंक को, जिसको हम नाम देंगे कैपिटल एडवोकेसी रेशियो, यानी कि CAR, ये सिस्टम होती है और इसको आप परसेंटेज में ही नाप सकते हैं, यानी कि रुपीज में इसको कभी नहीं नापना पाएंगे। दोस्तों जो बैंक लोन देती है उसकी फिक्स डिपॉजिट अपने पास रखती है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक बैंक से लोन लेता हूँ 1,00,000 रुपये, तो बैंक 9% से ज्यादा अपने पास रखेगी, ऐसा RBI का रूल से, लेकिन हर बैंक 9% से ज्यादा ही रखती है, यानी कि कुछ बैंकें होती है जो 9% रखती है, कुछ बैंकें होती है जो ज्यादा रखती है। PNC बैंक 12-13% अपने पास रखती थी और बाकी इनको लोन देती थी। तो जो बैंक बाहर से आपको इतना अच्छा दिखेगा, जिस बैंक की कैपिटल एडवोकेसी रेशियो हर बैंक के मुकाबले बहुत अच्छा है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ देखिए, HDFC बैंक का जो कैपिटल एडवोकेसी रेशियो है वो है 17%, ICICI बैंक का जो कैपिटल रेशियो है वो है 16%, एक्सिस बैंक का है वो है 15%, और PNC बैंक का है वो है 12%, यानी कि PNC बैंक उन प्राइवेट सेक्टर को भी एक बार से टक्कर दे रही थी, वो हर सेक्टर में टक्कर दे रही थी, लेकिन लूट इसलिए गई क्योंकि इनके लिंक मिल गए किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ या फिर कोई बड़ी कंपनी के साथ, जिस सिस्टम बरसों से बना हुआ है। हालांकि RBI लगातार ये कोशिश करती है कि कोऑपरेटिव बैंक की निगरानी बढ़ाई जाए, यानी कि कोऑपरेटिव बैंक को वो पावर ना दिया जाए जिसके वजह से ये बड़े अमाउंट एक कंपनी को लोन दे देते हैं एक के बाद एक, जैसे कोऑपरेटिव बैंक बंद हो रही है। और हाल ही में दोस्तों एक न्यूज आई थी कि लक्ष्मी विलास बैंक अब 6 महीने के लिए किसी को भी लोन नहीं दे पाएगी। ये भी एक कोऑपरेटिव बैंक है, जिस तरह से हर बैंक अपने हिसाब से चलती है, उसी तरह से लक्ष्मी विलास बैंक भी RBI को ऐसा लग रहा है कि वो अपने हिसाब से मनमानी के तरीके से किसी को लोन दे रही है। हम आशा करेंगे इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फेसबुक या फिर ट्विटर पे देख रहे हो तो लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।